हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष एकेडमी पे। और आज मैं लेके आया हूँ कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है, जो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। नंबर वन क्वेश्चन है दोस्तों, COVID-19 का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, COVID-19 का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, दूसरा है क्रिटिकल डिसीज 2019। ठीक है, तीसरा है क्रिटिकल वायरस डिसीज 2019, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चारों में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है, कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज 2019। देखो, कोरोना वायरस डिसीज इसका जो है जो 2019 में आया था, इसलिए इसको 2019 लिखा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, COVID-19 टेस्ट का नाम क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, COVID-19 टेस्ट का नाम क्या है, यानी COVID-19 के लिए जो टेस्ट होता है उसकी, यानी COVID-19 जो बीमारी है उसकी जांच के लिए जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका उस टेस्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं एलिसा, ठीक है, BMD, RT-PCR, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से राइट कौन सा है दोस्तों, RT-PCR इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RT-PCR, जो RT-PCR का जो फुल नेम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, क्या RT-PCR का फुल नेम क्या है, चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये RT-PCR का पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है। ठीक है, साल 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में मिला था? ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, कि साल 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में मिला था? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, वुहान, बीजिंग, शंघाई और सेंजेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, वुहान में। ठीक है, तो वुहान में ये पहला केस कोरोना वायरस का मिला था, और ये कब मिला था, साल 2019 यानी दिसंबर 2019 में ये पहला केस चीन में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, SARS-CoV का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, SARS-CoV का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीवियर एक्यूट राइट सिंड्रोम कोरोना वायरस टू। तीसरा ऑप्शन क्या है, सीवियर एक्यूट सिंड्रोम कोरोना वायरस टू। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है SARS-CoV का पूरा नाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है, फर्स्ट है, कोरोना, ये सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू। ठीक है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटिव वायरस है। ठीक है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये क्या करता है, इसका जो इन्फेक्शन संक्रमण करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को संक्रमित करता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी से, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, WHO ने COVID-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया था? ठीक है, तो WHO क्या है, WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने COVID-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, 11 मार्च 2020, 10 मार्च 2020, 12 मार्च 2020, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 11 मार्च 2020। ठीक है, तो 11 मार्च 2020 को WHO ने COVID-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत में कोरोना वायरस का जो पहला केस मिला था वो किस राज्य में मिला था? ठीक है, तो भारत में कोरोना वायरस का पहला केस किस राज्य में मिला था? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र और दिल्ली।
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल में पहला कोरोना वायरस का पहला केस मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, पंजाब। ठीक है, पंजाब ने क्या किया था, सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था पूरे राज्य में। ठीक है, पूरे देश में जो है सबसे पहला राज्य कौन सा था, पंजाब था, जिसने कि पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया था। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है, कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा था? यानी कोरोना वायरस जब स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, तो उसके कारण, ठीक है, आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा, ठीक है, तो पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं जापान, चीन, अमेरिका और रूस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जापान। ठीक है, जापान ने सबसे पहले जो है आपातकाल लगाया था। ठीक है, सबसे पहला देश कौन सा था, जापान था, जिसने क्या किया था, पूरे देश में आपातकाल लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, लॉकडाउन को ख़त्म करके सरकार ने 11 जून को जो गाइडलाइन जारी की थी उसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो लॉकडाउन को ख़त्म करके सरकार ने 11 जून को एक गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है, तो उसका नाम बताना है दोस्तों आपको, तो उसका नाम क्या रखा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे अनलॉक कोरोना, कोरोना गो, अनलॉक 1 और अनलॉक 2। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, अनलॉक 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दस क्या है, कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? ठीक है, तो कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटिव, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है।